कहावत है, अगर जज्बा हो तो कोई भी मुश्किल आसान हो जाती है। पिछले वर्ष कोरोना की वजह से लगे लॉकडाउन में उनको लगा था कि जिंदगी अब ठहर जाएगी। नौकरी छूटने के बाद वे जम्मू एवं कश्मीर के अनंतनाग से अपने गृह जिला पश्चिम चंपारण लौट आए थे। उन्हें लगा था कि अब क्या होगा, लेकिन इनके हाथ में बल्ला बनाने के हुनर से आशा भी थी कि कुछ अच्छा होगा। तो हम लोग थोड़ा सा मजाक में एक वीडियो वायरल हम लोग कर दिए, वीडियो बना दिए। तो उसको हमारे जो बेतिया में हैं कुंदन सर, जो डीएम सर हैं, उनको पता चला यूट्यूब के माध्यम से। तो उन्होंने हमसे मिले और हमको बुलाए और हम लोग को हर तरह से सुविधा दिए। हमको मकान भी मुहैया कराए हैं, ज़मीन भी मुहैया कराए हैं और लोन भी करवाए और इस बिजनेस को बहुत आगे अभी हम लोग कर रहे हैं और मेरा माल दूर दूर तक भी जा रहा है अभी, और आगे चल के और भी बड़ा मात्रा में हम लोग करना चाह रहे हैं। पश्चिम चंपारण में WC के स्टिकर लगे बैट से कई मैदानों में चौके और छक्के लग रहे हैं। लाल बाबू भी अनंतनाग में बल्ला बनाने का काम करते थे और आज वह भी अपने गृह जिला में मजदूर से उद्यमी बन गए हैं। ऐसे हुनरमंद के हाथ में हुनर था, बस बिहार में मदद की जरूरत थी। अब अच्छी बात ये हुई है कि नए तरह के, जैसे पहले टेक्सटाइल एंड अपैरल में थे, अनंतनाग वगैरह से लोग आए थे, वो क्रिकेट बैट तैयार कर रहे थे, जो अब अपना WC ब्रांड यहाँ पे तैयार हो रहा है, वेस्ट चंपारण ब्रांड, जैसे SS, BDS ये सब ब्रांड्स होते हैं, वैसे ही क्रिकेट का WC ब्रांड और वो भी कश्मीरी विलो का तैयार होना शुरू हुआ है। ये हुनरमंद कारीगर पहले अनंतनाग में बल्ला बनाने का ही काम करते थे, इस कारण ये बड़ी आसानी से वहाँ से ही इस बल्ला बनाने के उपयोग होने वाली लकड़ी ले आते हैं। इस बल्ले में उपयोग होने वाली लकड़ी कश्मीर और मेरठ में मिलती है। ये लकड़ी का जो बल्ला बनता है ये कश्मीरी बिलो का बनता है और बनने के लिए एक इंग्लिश बिलो का भी बनता है। तो फिलहाल हम लोग अभी कश्मीरी बिलो का बना रहे हैं। ये लकड़ी अभी तो हम कश्मीर से मंगवाए हुए हैं। ये इसमें ये खासियत है कि ये फटता नहीं है कहीं से और बहुत टिकाऊ होता है, अच्छा होता है। इस पे बॉल जब लगता है ना तो ये मजबूती इसमें ज़्यादा रहता है। एक पेड़ से लगभग 100 से 200 तक बैट निकल जाते हैं। बाकी पेड़ जितना मोटा होता है उस हिसाब से बैट भी निकलते हैं। इन पेड़ों को तैयार होने में लगभग 10 से 12 साल लग जाते हैं, फिर इनको सुखाया जाता है। इसमें लगभग 1.5 साल का समय लगता है, फिर बैट तैयार करके बाजार में उतारा जाता है। लगभग हम अभी तक 1500-1600 बल्ला बेच चुके हैं और लगभग 3000 पीस या 4000 तक हमारे पास ऑर्डर अभी लगा हुआ है, जिसको हम अभी पूरा कर रहे हैं। अब लाल बाबू मेरठ से इंग्लिश विलो की लकड़ी मंगवा रहे हैं। इसके साथ ही हैंडल, ग्रिप, स्टिकर और बाकी सामान की भी व्यवस्था कर रहे हैं। इन बैट को कई कंपनी भी खरीदने की इच्छुक हैं, जिनसे लाल बाबू की बात चल रही है। बैट के इन ब्रांड का नाम WC वेस्ट चंपारण दिया गया है। आज लाल बाबू खुद तो आत्मनिर्भर बन ही गए हैं, उन्होंने 10 लोगों को भी रोजगार दिया है। रोज उन्हें 500 से 700 रुपये मजदूरी भी देते हैं। हम लोग यहाँ पे काम मिल गया तो बाहर जाने के लिए हम भूल गए कि बाहर अब नहीं जाएंगे, हम लोग यहीं काम करेंगे और अच्छा से हम लोग परमिट भी मिल जाता है, अच्छा सब कुछ होता है। हमने की जगह मतलब कमाते हैं सब बढ़िया से, अपन परिवार के खिजावते हैं सब, पियाते हैं सब, आप बढ़िया से मतलब कहीं पानी सोन मैंने भगवान की इच्छा हुई तो हमने कि हम अपन गुजारा बस कर ली, आगे मतलब हमें डेग ना बढ़ा सकते हैं सोन ना बढ़ा ली, आगे भगवान से विनती रही जो यहाँ के लगे हमने के रोजी रोटी मिले। क्या आप वापस कश्मीर जाएंगे? इस सवाल के जवाब में लाल बाबू कहते हैं कि अब हम सब यहीं पर अपना कारोबार आगे बढ़ाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV भारत।
24 घंटे लगातार खबरें देखने के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत ऐप।